क्या आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि फाउंडेशन कॉस्ट जो आपको बताया जा रहा है वेब्रिज के बारे में वो अलग अलग है। एक सप्लायर आपको 10 रुपए बता रहा है, एक सप्लायर आपको 12 रुपए बता रहा है, एक 15 रुपए बता रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और लोग ये नहीं समझ पाते कि वो कितना लॉस कर जाते हैं अगर वो फाउंडेशन कॉस्ट के ऊपर कम पैसा इन्वेस्ट करे तो। व्हाई पे हायर और व्हाई पे एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू योर फाउंडेशन एंड सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट द राइट वेट ऑफ द वेब्रिज। लेट मी टेल यू थ्रू दिस वीडियो आई विल टेक यू थ्रू 3 रीजंस व्हाई टू इन्वेस्ट राइट ऑन द फाउंडेशन। अगर आप सही इन्वेस्ट करोगे तो आपका सही वजन आएगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी इन अ स्टेट टू अंडरस्टैंड कि क्यों और किस लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक फाउंडेशन पे। Let me tell you more about myself. I am Saurabh Tikmani, the director of Tulsi Waste Solutions Private Limited. हम लोग की कंपनी 65 साल से लोगों को गाइड कर रही है वेब्रिजेस लगाने के लिए एंड सही और सही वजन लाने के लिए। Let me take you through the 3 reasons now. 1, आप वेब्रिज लगाते हो सही वजन के लिए for the right weight. अगर आप एक चीज सोचो, आप एक पर्सनल स्केल लो, पर्सनल स्केल को आप एक ग्राउंड पे रखो, एक माठ में रखो, माठ के ऊपर खड़ा होके वजन करो, अगर वो थोड़ा दसेगा तो आपको वजन एक दिखाएगा, समझ लीजिए 65 kg, और वही स्केल को उठा के आप एक कंक्रीट पे रखो और खड़े हो, वो दिखाएगा आपको हो सकता है 68 kg या 62 kg, 62 or 68 इंस्टेड ऑफ 65। ये आप सोचिए क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि मे बी उसका एक पहिया अंदर धस रहा है। ये क्वाइट पॉसिबल है, आप समझ लो एक ऐसे है और ये अगर धसेगा तो आपको अलग वजन दिखाएगा। ये सेम चीज वेब्रिजेस के साथ होती है क्योंकि आप हल्का फाउंडेशन बना जाते हो, इसी के लिए आपको फाउंडेशन थोड़ा और हैवी रहना चाहिए। सेकंड, अगर आपका फाउंडेशन धस जाएगा बिकॉज आप उसको हल्का बनाए थे तो आपको रीफाउंडेशन करना पड़ेगा, उसके बीच में आपकी ब्रेकडाउन का खर्चा आएगा। आप ब्रेकडाउन करोगे, फाउंडेशन वापस बनाओगे, एक महीना आपको बाहर वजन करना पड़ेगा, अनरिलायबिलिटी ऑफ वेट, देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स एंड रीइन्वेस्टमेंट ऑन द फाउंडेशन इफ द बैड फाउंडेशन इज डन, जो आपको आज नहीं 2-4 साल बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब आप चालू करोगे वो वजन सही चलेगा। थर्ड फैक्टर, डिफिकल्ट टू डायग्नोस, कॉन्स्टेंट ब्रेकडाउन एंड कॉन्स्टेंट वेट डिफरेंस। जो आप लगाओगे आपका हमेशा वेट डिफरेंस आ रहा है लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ना कि जो आदमी भी आपके पास आ रहा है वो भी ये बता नहीं पा रहा है वेट डिफरेंस क्यों हो रहा है। That is a big problem which people face and which we have understood over a span of thousands of weighbridges which we have installed. कि ये problem कहाँ से आती है, ये diagnose ही लोग नहीं कर पाते हैं, इसके कारण आपको कई सारा losses होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये losses कैसे होंगे आप देख सकते हैं, नया foundation अगर आपको बनाना पड़े तो नया foundation में 5 से 10 लाख रुपए आपके ऐसे ही लग जाएंगे। सेकेंडली आपका ब्रेकडाउन टाइम में आपको बाहर वजन कराना पड़ेगा, बाहर वजन कराने के लिए anywhere between 1000 to 10000 रुपीज पर डे आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रक्स आप लोग जो रिसीव करते हो। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वजन आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको सही वजन चाहिए, अनरिलायबल वेट, आपको क्या मालूम बाहर जो वजन हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत, या आप नहीं जानते हो, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ राइट वेट। आप इसको अपने लिए कैलकुलेट करो, थंब रूल के हिसाब से आप 1% पकड़ो और देखो अपना लॉसेस कितना हो रहा है और कितना हुआ है आज तक, या बता नहीं पाओगे। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सॉइल कैसा है या तो आपका फाउंडेशन कैसा बना है। टू नो मोर डोंट वरी, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ओवर आवर 65 years ऑफ एक्सपीरियंस और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ सही फाउंडेशन के लिए एंड आई विल एक्चुअली इंश्योर दैट आपको ये वेट डिफरेंसेस के कारण ना आए। And don't worry, we have your back. Please call us at 833-60-519-00 and look out for more videos of mine in which I am going to talk about weighbridges. And don't worry, we have your back.